गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सभी को. हाँ, सभी स्टूडेंट्स जो है लाइव आ जाएं. आपका जो है रीजनिंग की क्लास जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बार जो है सभी लाइव आ जाएं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सभी को. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सभी को. आप जो है लाइव आ जाएं एक बार, फिर क्लास को जो है कंटिन्यू करेंगे. गुड मॉर्निंग गोल्डी. गुड मॉर्निंग प्रदीप कुमार. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग रवि. गुड मॉर्निंग मेहरा प्रताप. गुड मॉर्निंग निलेश. गुड मॉर्निंग. ओके. तो दोस्तों आपको जो है कुछ बताना चाहेंगे. लाइक आपको पता है कि अभी जो है कोरोना वायरस जो है काफ़ी एक्टिव है. सर ये क्वेश्चन करवाओ, मेहरा कह रहे हैं. भाई करवा देंगे मेहरा जी. आपको जो है देखिए प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलिए आप. आपको केयर नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर मैसेज करें, ठीक है. क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, बट ये सारे क्वेश्चन जो है हम डाउट सेशन के दौरान ही करेंगे, ठीक है. आपको स्पेशल दिन दिया गया है, उस दिन जितने भी आपके डाउट रहेंगे सारे के सारे जो है डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है. तो तब तक जो है आप अपने मैसेज वहां पर भेजते रहें. सर लाइव क्लासेस शेड्यूल क्या है? अरे भाई आपको जो है टाइम टेबल की पीडीएफ वहां पर शो हो रही होगी कि टाइम टेबल क्या रहेगा, तो वहां से जो है आप चेक कर सकते हैं कि टाइम शेड्यूल क्या है आपका, ठीक है. गुड मॉर्निंग आशा. गुड मॉर्निंग चहल. गुड मॉर्निंग. ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें. क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? ठीक है. आपको पता है दोस्तों लाइक जो है कोरोना वायरस का जो है काफी एक माहौल बना हुआ है. आपको करना क्या है? करना ये है कि आपको जो है अपने बचाव रखना है. लाइक आप जो है हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर रहें, सुबह जो है मॉर्निंग वॉक पे जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सनलाइट के अंदर आप रहें, ठीक है. कोशिश क्या करें कि सूर्य का प्रकाश आप तक पहुंच पाए, तो नो डाउट जो है आप इससे बच सकते हैं. ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है. क्वेश्चन लिखिए फटाफट से सभी. कॉपी पेन निकाल लीजिए. क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. गुड मॉर्निंग कटारिया. गुड मॉर्निंग. ठीक है. क्वेश्चन 33, 48, 65, 84. क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. देखते हैं कौन सबसे इंटेलिजेंट है आपकी क्लास में और कौन सबसे फास्ट इसका आंसर देगा. गुड मॉर्निंग सोनम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सागर. गुड मॉर्निंग. ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है. क्वेश्चन है 33, 48, 65, 84. क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क. देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर देगा. गुड
सही है सही है, आपके जो है आंसर आने स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से रहेगा दोस्तों। इसमें करेंगे क्या, बीच का जो है डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फटाफट से जो है एक बार डिफरेंस बताइए कि कितना कितना इसके अंदर डिफरेंस है। तो देखने से पता लगता है यहाँ पर कि कितने का डिफरेंस है, 15 का, यानी कि 15 प्लस में कर दिया। आगे कितने का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। आगे चेक करेंगे तो 19 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि प्लस में 2 किया गया है, प्लस में 2 किया गया है। तो आगे क्या करेंगे हम, प्लस में 2 यानी कि 19 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। और 84 में जब हम 21 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 और 1 कितना हुआ 5, 8 और 2 कितना हुआ 10। आगे हमें फिर से क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर प्लस में 2 करेंगे, 21 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 23। और जब 105 में 23 ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 3 8 2 1, यानी कि 128। 128 जो है इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि 105 और 128 जो है इसका सही आंसर रहेगा। आई थिंक सभी को समझ आया होगा। तो साथ ही साथ जो है यस और नो का कमेंट कर दिया करें, और स्पीडली जो है हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5 13 29 61 125 क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर देगा। विजय सोनम बहुत बढ़िया, सरवन बहुत बढ़िया 105, विजय गुड मॉर्निंग, प्रताप 105 और 128, पहले वाला गलत हो गया था, कोई बात नहीं प्रताप। देखिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीज़ें चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन निकालना है तो स्पीड भी होनी चाहिए और साथ में क्या है एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। आपको तो कमेंट करना ही करना है। साथ के साथ जो है जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं या देखेंगे वो जो है वो भी कमेंट करें, यानी कि वीडियो को जो ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं और बाद में देखेंगे वो भी कमेंट किया करें कि आंसर क्या है। फास्टली आंसर करें, दोस्तों 53 बहुत बढ़िया सागर बहुत बढ़िया। देखिए किया क्या गया है, यहां से यहां आने के लिए 5 गुना में 2, 5 गुना कितना हुआ 10, प्लस में 3 13 बन गया। आगे फिर से ट्राई करते हैं, 13 गुना में 2, 13 दूना 26 और 3 कितना हुआ 29, यानी कि यहाँ से हमें एक सीरीज मिली कि पहले क्या करेगा, गुना में 2 करेगा और उसके बाद 3 प्लस करना है। तो 29 को 2 से गुना करेंगे और उसमें 3 प्लस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 61। 61 को जब हम 2 से गुना करेंगे और प्लस में 3 कर देंगे, 61 को 2 से करेंगे 122 और 3 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास 125। अब क्या करेंगे, 125 को 2 से गुना करेंगे, 125 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी कि गुना में 2, 250 के 3 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 253। समझ में आया सभी को, 8 16 32 64 128 का गैप है। ओके ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग जो है इसी से मिलता जुलता है, 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। बनाइए बनाइए फटाफट से। देखिए दोस्तों जो अभी जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखिए नो डाउट जो है अभी कोरोना वायरस को लेके काफ़ी जो है चेतावनियां दी जा रही हैं, सेफ रहने की जो है सलाह दी जा रही है। तो नो डाउट आप जो है सेफ तो रहें रहें, साथ में जो है आपके लिए गोल्डन चांस भी है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कर दिए गए हैं। तो आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोरीना के सारे टीचर्स जो है आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। आप घर पे बैठ के अपने घर में रूम में बैठ के जो है औरों से सेफ भी रह सकते हैं और जो है स्टडी भी कर सकते हैं।
और जो स्टूडेंट जो है अभी ऑफलाइन पढ़ रहे थे, क्लासेस में पढ़ रहे थे, जैसे आपको पता है कि हर जगह जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भेज दिए गए कि आप जो है इनको बंद करें 31 मार्च तक, तो लगभग जो है 15 से 20 दिन का समय है, इसमें जो है आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ओके, विजय कह रहे हैं 481, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, देखने से ही पता लगता है कि 15 के आसपास है, 5 से 16 आया तो 15 के आसपास है। 15 कैसे बनेगा, 5 तिया 15 प्लस में 1 16 बन गया। आगे क्या करेंगे, 16 तिया 48 और प्लस में कितना कर देंगे, 3। क्लियर है, यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या करेंगे, 51 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153, और प्लस में कितना किया गया, 5। यानी कि पहले 1 जोड़ा, फिर 2 प्लस करके इसमें यानी कि 3 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आगे हम कितना जोड़ेंगे इसमें, 7। यानी कि 158 को 3 से गुना करके 7 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 481। 481 जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19, 11, 13, 16 ठीक है, बनाइए फटाफट से। बिल्कुल चहल, सही कह रहे हैं, 158 को 3 से गुना करेंगे और प्लस में 7 कर देंगे। सोनम बहुत बढ़िया, 481 बिल्कुल सही है आंसर आपका। ठीक है, बताइए आंसर इसका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वैल्यू तो हमें ये मिलती है कि 11 से 13 आने के लिए प्लस में 2 किया गया, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी प्लस में 2 कर दिया और यहाँ पर भी क्या कर दिया, प्लस में 2 कर दिया। क्लियर है, एक चीज़ तो ये मिली हमें। उसके बाद यहाँ से यहाँ आने के लिए माइनस में 3 कर दिया, फिर 2 वैल्यू छोड़ी थी तो यहाँ पर ये 2 वैल्यू छोड़ के हम सीधा आगे जाएंगे तो माइनस में फिर से 3 कर दिया, तो आगे क्या करेंगे हम, माइनस में 3 कर देंगे, यानी कि 13 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास, 10। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 10। क्लियर है सुमित्रा, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आपने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। गोल्डी बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, सभी के आंसर अभी आने लग गए हैं। ओके, समझ आ रहा है यहाँ तक सभी को, समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेरी गुड पूजा, प्रताप सही है, विजय बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, फटाफट से आंसर कर दें, फटाफट से फास्टली आंसर करें, थोड़ा सा स्पीड से आंसर बनाने की कोशिश करें। सुरेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, सागर विजय बहुत बढ़िया, सभी के बिल्कुल सही आंसर हैं।
स्वर्णम बहुत बढ़िया, 10 जो है आंसर सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 9, 18, 72, 576, इसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू हमें निकालनी है। पाँच हजार सात सौ साठ गलत है, 5760। चलो देखते हैं, ठीक है देखिए, 9 से 18 कैसे बन सकता है, या तो कम करके बन सकता है, यानी कि 18 में से 9 कम करेंगे 9 आ जाएगा, बट जो है देखने से पता लग रहा है कि वैल्यू जो है इंस्टेंट बढ़ रही है, एकदम से बढ़ रही है। तो देखिए हम करेंगे क्या, 9 दूना 18, क्लियर है, यहां से यहां तक 18 चौक 72, यानी कि पहले 2 से गुना उसका डबल कर दिया 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर इसको अगर हम 8 से गुना करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 576, यानी कि 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। आगे क्या करेंगे, 8 का दुगना कितना करना है हमें, 16 करना है, यानी कि इस वैल्यू को अगर हम 16 से गुना कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 9216। 9216 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है यहां तक सभी को, यस और नो? ठीक है शर्मा बिल्कुल सही है, सरवन बहुत बढ़िया, प्रताप गलत कर दिया, नीलेश बहुत बढ़िया, सुमित्रा गलत है, विजय बिल्कुल सही है, पूजा गलत आपका, गोल्डी गलत है, सागर रवि गलत है आपका, ठीक है क्लियर है। तो जितने भी दोस्तों ने कमेंट किए फटाफट से, जितने भी पढ़ पाए आपको, आपके जो कमेंट भी पढ़े हैं, बट जो है इसका आंसर कितना रहेगा, 9216, क्योंकि पहले 2 से गुना की गई, फिर 4 से गुना की गई, फिर 8 से गुना की गई, और उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 16 से गुना करके इसका आंसर निकाल देंगे। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल सुमित्रा, 576 को 16 से गुना कर देंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 127, 131, 139 क्वेश्चन मार्क, 151, 157, ठीक है बनाइए फटाफट से, फटाफट से बना दो। ठीक है भाई, सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, और फटाफट से जो है इसका आंसर देने की कोशिश करें सभी, देखेंगे कौन सबसे जो है फास्टली इसका आंसर देगा। ऑप्शंस दे देते हैं, चलो इसके ऑप्शंस दे देते हैं, 114, 140, 141, 357, ये जो है 4 इसके ऑप्शन हैं। 147 सुरेंद्र कह रहे हैं, गोल्डी कह रहे हैं, 155, भाई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, एक सौ सैंतालीस, 145, भाई ऑप्शन आपके सामने है, 114, 140, 141 और 557, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो एक बार जो है ऑप्शंस के ऊपर फोकस करें, सीजीएल का क्वेश्चन है नो डाउट। राहुल कह रहे हैं 151, भाई ऑप्शन ही नहीं है, पूजा कह रहे हैं 141, ठीक है पूजा देखते हैं, विजय प्रताप 141, ठीक है एक बार चेक करते हैं किस प्रकार से रहेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का गैप फाइंड आउट करते हैं, कितने का गैप हुआ, 4 का, क्लियर है यहाँ तक, कितने का गैप है, 4 का गैप है।
आगे हम ट्राई करेंगे तो कितने का गैप है, 8 का गैप है, यानी कि कुछ ना कुछ हमें लग रहा है कि 4 का गैप आगे, 8 का गैप आगे। एक बार इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर कितने का गैप है, 6 का गैप है। आगे फिर से चेक करते हैं तो कितने का गैप है, यहाँ पर 3 और 3 6 का गैप है, और यहाँ पर चेक करते हैं तो कितने का गैप है, 4 का है। तो क्या कुछ लग रहा है, 4 का गैप था, 8 का गैप है, यहाँ पर 6 6 4। तो यानी कि कुछ ना कुछ जो है हमें प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं। ये तो फंस गए हम यहाँ पर, ठीक है कुछ और ट्राई करके देखते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। इसके अलावा क्या मल्टीप्लाई बन रहा है, मल्टीपल बन रहा है किसी का, 141। ओके चलो देखते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है 141 की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ और ट्राई करके देखते हैं, एक छोड़ के एक गैप फाइंड आउट करते हैं, इसके बीच का गैप कितना है, 9 में से 7 गया, 2, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गया 1, यानी कि इतने प्लस किए गए हैं, क्लियर है। तो एक छोड़ के फिर से आगे चलते हैं हम, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि प्लस में 12, कुछ कुछ लग रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर फिर से चेक करते हैं तो कितने का जाएगा, 3 में से 1 गया 2, और 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि 12 ऐड किया गया। तो आगे हमें जो है एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि इनके बीच का कुछ ना कुछ रिलेशंस है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच का भी कुछ रिलेशन रहेगा। यहाँ से रिलेशन इसके बीच का आएगा और इसके बीच का रिलेशन यहाँ पर आएगा, कुछ ना कुछ हमें जो है ऐसा फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो हाँ सही है, ठीक है कुछ और ट्राई करते हैं। तो 131 से यहाँ का रिलेशन नहीं निकाल सकते, यहाँ से यहाँ का भी नहीं निकाल सकते, बट जो यहाँ से यहाँ का रिलेशन सिर्फ हम निकाल सकते हैं, कितने का गैप है, यहाँ पर है 10 का, यानी कि प्लस में 10 किया गया, क्लियर है। तो ऑप्शंस उठा के देखो, ऑप्शन उठा के देखो यहाँ पर, ठीक है ऑप्शन उठाएंगे तो किस तरीके से बन जाएगा, एक बार उठाइए ऑप्शंस, करिए इसको। ओके नीलेश, सोनम, विजय, सॉरी विनय, ठीक है 141। ओके चलो एक बार देख लेते हैं, 141 जो है एक बार ऑप्शंस में यहाँ पर पुट करते हैं 141। तो यहाँ पर कितने का गैप है दोस्तों, 10 का गैप है, बट जो यहाँ से यहाँ तक कितने का गैप है, 16 का गैप है, ठीक है। तो यानी कि सीक्वेंस हमारा ये बना कि यहाँ से यहाँ तक 10 का गैप, फिर 16 का गैप, उसके बाद फिर से 10 का गैप। अगर हम यहाँ पर 140 करते तो यहाँ पर गैप आ जाता कितने का, यहाँ से यहाँ गैप में फर्क आ जाता और यहाँ से वहाँ के गैप में फर्क आ जाता, इसीलिए हम जो है यहाँ पर ऑप्शंस कितना लेंगे हमारा 141, क्लियर है। 131 प्लस में 10, बिल्कुल सही है, 131 प्लस में 10, बट जो है यहाँ पर 141 से 157 जाने के लिए हमें 16 का गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और ट्राई हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ये भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें 10 का गैप फाइंड आउट करना पड़ रहा है, इन दोनों के बीच का 139 से यहाँ तक आने के लिए हमें कितने का गैप है, 2 का, ठीक है 8 10 12, ठीक है 12 12 का जो है इसके अंदर गैप है, और यहाँ पर कितने का गैप है, 10 का, 16 का और फिर 10 का, क्लियर है। तो इस टाइप से जो है 140 आएगा, नहीं भाई 140 नहीं आएगा, 141 ही आएगा, ठीक है 141, 141 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, क्लियर है 141। जिसने भी 141 आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है, क्लियर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 1938 क्वेश्चन मार्क 228, छः सौ चौरासी, 1368, 1368 ऑप्शंस हैं 114,
232, 140 और 26, ये जो है चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से जो है इसका आंसर बनाएंगे। आंसर करें, आंसर करें भाई सभी फटाफट से। ओके ठीक है, बिल्कुल सही है विजय। 19 को 2 से गुना करके हम 38 ले सकते हैं, क्लियर है? यहाँ से हमें जो है ये आइडिया लग रहा है, क्लियर है? इसके बाद देखेंगे हम कि 228 से 684 कैसे बन सकता है। 2 से गुना करके तो नहीं बनेगा, बट जो है 3 से गुना करके बन सकता है, और 684 से आगे क्या किया गया, 2 से गुना, यानी कि सीक्वेंस हमें पता लग गया कि एक बार 2 से गुना कर रहा है और उसके बाद 3 से। तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं, 2 से कर लिया, 3 से गुना करेंगे, 38 को 3 से करेंगे 90, और इधर से 24 कितना आ जाएगा हमारे पास से, 114 आ जाएगा। आगे एक बार मल्टीपल करके देखते हैं, गुना में 2, 114 का दुगना कितना होता है, 228, यानी कि ये हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड से थोड़ा सा, स्पीड से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 13, 16, 11, 18, 9, 20 क्वेश्चन मार्क। बनाइए फटाफट से, कॉपी पेन जो है फुल स्पीड से लिखा करें और फटाफट से जो है इसका आंसर मेंटेन करें। सोनम बहुत बढ़िया, संदीप कुमार, विनय सही है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है बिल्कुल, चलते रहें आशा, बिल्कुल सही है विनय, सोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। सेवन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है, चलते रहें, चलते रहें। इजी क्वेश्चन है, नो डाउट, इजी है या इजी बन गया, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट जो है इजी ही बनेंगे आपके लिए। देखिए 16 से 11, 13 से 16 कैसे कर सकते हैं, प्लस में 3 किया गया मान लो, यहाँ पर क्या किया गया, माइनस में 5 कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, प्लस में 7 कर दिया, उसके बाद क्या किया, माइनस में 9 कर दिया। तो जो है कुछ लॉजिक बन रहा है, यहाँ से क्या किया गया, प्लस में 4, यहाँ से क्या किया गया, माइनस में 4, आगे ट्राई करके देखो एक बार, तो यहाँ से जो है टोटल ही गड़बड़ हो गया। तो कितना बचा है, यहाँ पर प्लस में 11 किया गया है, तो कुछ और बन रहा है क्या, 7 और 4 11, प्लस में 4, ओके। तो यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन को दो तीन तरीकों से किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है, और दूसरा तरीका भी है इसका करने का, ठीक है? ये मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी जो है इस चीज़ को समझ पाते हैं। देखिए 16 से 18 आया है, 16 से 18 आया, और 18 से 20, यानी कि प्लस में 2, प्लस में 2, ठीक है? या फिर यहाँ से कर सकते हैं माइनस में 2, यहाँ से क्या कर सकते हैं माइनस में 2, और यहाँ से क्या करेंगे माइनस में 2, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस में, सॉरी 9 में से 2 गया तो 7। अगर आपसे ये वाली वैल्यू पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, प्लस में 2 कर देंगे, 20 और 2 कितना आ जाएगा, 22, क्लियर है? बट पूछी नहीं गई है, पूछी नहीं गई है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 आ जाएगी, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बनाइए फटाफट से।
ठीक है सोनम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आंसर करें, आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पर 13, 27, 56, 115। एक सौ चौंतीस, ओके 234, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, 134 काफ़ी सारे कह रहे हैं, 234 देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, 234 इज द राइट आंसर, 234 बिल्कुल सही है। देखिए किया क्या गया है दोस्तों, 13 को 2 से गुना, 13 दूना 26 प्लस में 1, 26 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 54, और उसके बाद जो है इसमें 2 ऐड कर दिया गया, यानी कुछ ना कुछ तो हिंट हमें लग ही रहा है। 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 का 100 और 6 का 12, 100 और 12 112, 115 बनाने के लिए प्लस में 3 किया गया, यानी कि प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3, और हर बार क्या कर रहा है, गुना में 2 कर रहा है। तो 115 को जब हम 2 से गुना करेंगे 230, और प्लस में अब कितना करना 4, तो यानी कि 230 और 4 कितना हो जाएगा, 234, 234 क्लियर है। ओके डायरेक्टली चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बार जो यस और नो का कमेंट कर दिया करें फटाफट से, क्या समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, यस और नो का कमेंट। पूजा गलत कर दिया, 231 नहीं आएगा, 234 आएगा, क्लियर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7, 19, 42, 87 क्वेश्चन मार्क, बना दो फटाफट से। ओके ओके ओके, ठीक है, आपके कमेंट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, आपके कमेंट देख रहे हैं, क्लियर साथ की साथ क्लियर है। विजय कह रहे हैं, पूजा कह रहे हैं समझ आ रहा है, विजय कह रहे हैं समझ आ रहा है, ओके नीलेश रवि, ठीक है बनाइए बनाइए फटाफट से। क्वेश्चन है 7, 19, 42, 87 क्वेश्चन मार्क, चलो ऑप्शंस दे देते हैं, 176, 160, 154, 148, सॉरी 178। वन सेवेंटी सिक्स, 179, 174, ओके ठीक है, लगभग जो है सही जा रहे हैं स्टूडेंट्स, 178 भी कह रहे हैं, ओके 176 भी कह रहे हैं, 176 के जो है काफ़ी सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, नीलेश सुरेंद्र सिंह विजेंद्र शर्मा। ठीक है देखते हैं किस टाइप से जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए किया क्या गया दोस्तों, 7 दूनी 14 प्लस में कितना कर दिया 5, आगे देखते हैं 19 को कितने से गुना, 19 दूना 38, और कितना ऐड करना पड़ेगा, 38 के बाद हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि लॉजिक हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि हर बार क्या कर रहा है, गुना में तो 2 कर रहा है और वैल्यू क्या कर रहा है, 5 थी फिर 4 कर दी, तो आगे अगर 3 हुई तो यानी कि सीक्वेंस हमारा सही है। पहली 3 फैक्टर के अंदर ही हमें जो है आइडिया हो जाना चाहिए क्या हम सही जा रहे हैं। ठीक है ट्राई करते हैं, 87 को 2 से गुना करेंगे, 80 को 2 से करेंगे 160, और 7 को 2 से करेंगे 14, 160 और 14 कितने होंगे हमारे पास, देखिए किस प्रकार से करेंगे, 87 गुना में 2 करना है, तो 80 को 2 से करेंगे तो 160 आ जाएगा, 7 को 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि 4 7 1, 174, और उसके प्लस में हमें क्या करना है, ठीक है क्लियर है यहाँ तक, 174 आ गया हमारे पास, 174 यहाँ पर लिखेंगे हम,
174 और प्लस में कितना करना हमें, 3, ठीक है। 174 प्लस में 3, 3 करना है या 2 करना है, 5 ऐड करके ये आ गया, 4 ऐड करके ये आ गया 3, ठीक है। आगे 2 ऐड करना हमें, 174 वैल्यू निकाल ली थी, प्लस में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 176, 176। ऑप्शन ए हमारा क्या रहने वाला, बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी क्योंकि यहाँ पर 3 ऐड कर रहे थे तो 177, 177 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक्चुअल में था क्या कि यहाँ से 5 ऐड करके ये वैल्यू निकाली गई, 4 ऐड करके ये वाली और 3 ऐड करके ये वाली वैल्यू। तो आगे हमें कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है, तो 174 में 2 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 176। स्पीडली जो है, फास्टली हम थोड़ा सा कर रहे हैं क्लास को और डायरेक्टली जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आप जो है येस और नो का कमेंट करते रहा करें साथ ही साथ, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, 0.15, 0.3 क्वेश्चन मार्क, 1.2, 2.4, ठीक है। बनाइए फटाफट से, ठीक है ठीक है ठीक है। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग निधि, गुड मॉर्निंग। यस और नो का कमेंट करते रहा करें साथ की साथ, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कितना समझ आ रहा है, ठीक है। एक आपकी भी जो है एक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है। फटाफट से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखते हैं कौन सबसे फास्ट इसका आंसर देगा। 0.6, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है, बिल्कुल। देखिए यहाँ से हमें आइडिया हो जाना चाहिए, 1.2 को डबल कर दिया गया दोस्तों, तो कितना बन गया डायरेक्टली, 2.4। इसको डबल कर दिया यानी कि देखिए कईयों को तो डबल करने में भी परेशानी है भाई, गुना करनी सिखा देते हैं। 15 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। आगे तो जीरो लग ही जानी है, तो इसको यही तो लिखा गया, पीछे वाली जीरो का तो पॉइंट के बाद पीछे वाली जीरो का कोई महत्व नहीं रहता, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको कितना लिख दिया डायरेक्टली, 0.3, यानी कि गुना में 2 किया गया है। इसको भी हम गुना में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6। इसको एक बार गुना में 2 करके देखो, 6 को डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो पॉइंट यानी कि 12 लिखा गया है, तो पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये वाली वैल्यू बन गई। तो यानी कि आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा हमारा 0.6। दोस्तों देखने में काफी इजी लग रहा है क्वेश्चन, बट जो है कई बार एक तो ऑप्शन हमें जानबूझ के फजल करने के लिए 0.06, 0.006, ठीक है, या फिर 6 पॉइंट समथिंग, तो इस टाइप से कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो अगर आपका मल्टीप्लीकेशन सही है, अगर आपका जो है बेस सही है, तो आप इजिली इन क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड से करेंगे थोड़ा सा। डबल क्वेश्चन में आ गए, फटाफट से बना दो आंसर, फटाफट से आंसर बना दो। दीपक कुमार गलत कर दिया, निलेश सही है, सुशीला बिल्कुल सही है, रवि गुड बहुत बढ़िया, विजय फिर से गलत कर दिया आपने, ठीक है। यही चीज़ें रहती हैं, यही चीज़ें रहती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन में आ जाती हैं कि पॉइंट्स वाले क्वेश्चन, देखिए घर पे बैठ के आप कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी लग रहे हैं, बट यही क्वेश्चन एग्जाम में क्या रहता है दोस्तों, माइंड के ऊपर प्रेशर रहता है, ठीक है। तो इस कारण जो है कई बार गलत हो जाते हैं। संदीप कुमार शर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका आंसर करें, इसका आंसर करें फटाफट से। तेरह और 21, विजय बहुत बढ़िया, 21 34 कह रहे हैं, सुरेंद्र सिंह 12 17 कह रहे हैं, सुमित्रा भी 12 और 17 कह रहे हैं,
प्रताप भी 12 और 17 कह रहे हैं, विजय 13 21 कह रहे हैं। ओके ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार से रहेगा। देखिए दोस्तों, किया क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले वाली वैल्यू जोड़ के लिखेगी। एक से पहले क्या वैल्यू है, 0, तो 0 और 1 कितना हुआ, 1, 1 और 1 कितना हुआ, 2, 2 और 1 कितना हुआ, यानी कि इनको जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया कितना हुआ, 2 और 1 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हुआ, 5। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दिया, 5 और 3 कितना हुआ, 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 कितना होगा, 13। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 13 और 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 21 आ जाएगा। क्लियर, 13 और 21 जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, एक बार जो है यस और नो का कमेंट कर दें। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हमने जो है 10 से 12 क्वेश्चन जितने भी हमने कर लिए हैं, क्या यहाँ तक क्लियर है, आगे हम चलें। ठीक है, कमेंट करते रहें, देखते रहेंगे आपके कमेंट्स भी बीच बीच में। तब तक जो है आपको क्वेश्चंस दे देते हैं एक। ठीक है, बनाइए, ऑप्शंस हैं आपके 6 8 10 12, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, बनाइए फटाफट से, फास्टली आंसर करें, थोड़ा सा फास्ट चलें, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे। ठीक है, चलते रहें, चलते रहें। ठीक है, कमेंट आ रहे हैं आपके। ओके देखिए, कुछ जो है छोटी वैल्यू है, जैसे कि 1 4 7 छोटी वैल्यू है, एक बार इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। प्लस में 3 क्या गया है, 4 से 7 आने के लिए प्लस में 3 करेंगे, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस में 3 कर देंगे। क्लियर है, ये चीज़ तो हमें समझ में है। अब वैल्यू बचती है हमारे पास यहाँ से 48, यहाँ से 24, एक ये क्वेश्चन मार्क वाली और एक ये वाली। क्लियर है, अब इनको डील करना बाकी है। 48 से 24 कैसे बन सकता है, भाग में 2 दे देंगे तो जो है हमें 24 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं, क्या भाग में 2 देने से 24 का आधा 12 ऑप्शन में है हमारे पास, कुछ और ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक बार 12 वैल्यू पुट कर लेते हैं भाग में 2 करके, तो यहाँ पर भी भाग में 2 देंगे तो 6 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 6 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर 12 भी नहीं आएगा। कुछ और ट्राई करो, कुछ और ट्राई करके देखो, एक बार भाग में 3 करके देखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर है, 8 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क में, 8 भी ऑप्शन में है। तो अगर यहाँ पर 2 से 3 हुआ तो यहाँ पर 4 होना चाहिए, 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 बन रहा है, यानी कि अब ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर है, क्लियर है, तो इसका जो आंसर रहेगा 12 ना रह के क्या रहेगा, 8 रहेगा। अरे भाई 10 नहीं आएगा भूख, 10 नहीं आएगा, 8 आएगा। क्लियर है, तो 8 इसका जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए जानबूझ के जो है क्वेश्चन इतने क्लोज दिए गए हैं, 8 10 12, तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूज हो गए। बट जो आप नेक्स्ट वैल्यू बना के देख लिया करें, अगर आपकी नेक्स्ट वैल्यू बनती है तो यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। एक बार यस और नो का कमेंट आपका वेट कर रहे थे थोड़ा सा, यस और नो का अगर आप कमेंट कर देते तो हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1001, 1004, 1012, 1027 क्वेश्चन मार्क, बनाइए फटाफट से। ठीक है, चलते रहें, फटाफट से आंसर कर दें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे फास्ट देगा। देखने से पता लग रहा है कि सभी 1000 वाली वैल्यूज हैं और उसके बाद हल्का सा ही आगे बढ़ रहा है। लाइक एज यहाँ से यहाँ आया तो प्लस में 3 कर दिया इसने, यहाँ से यहाँ आया तो प्लस में 8 कर दिया, आगे कितना ऐड किया गया, यहाँ से प्लस में 15 ऐड कर दिया। क्लियर है? तो इनके बीच का फिर से गैप चेक कर लेंगे, प्लस में 5 का है, यहाँ पर करेंगे प्लस में 7 का है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ऐड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, प्लस में 2, आगे हम फिर से प्लस में 2 कर देंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो 3 और 5 कितना हुआ, 8, 8 और 7 कितना हुआ, 15, 15 और 9, 15 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास 24, यानी कि प्लस में 24 अब हमें करना है। तो जैसे 101 में 3 जोड़ा तो 104 बना, सॉरी 1004, 1004 में 8 जोड़ा तो 12 बन गया, और 12 में 15 जोड़ा 27, 27 में 27 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1000, और यहाँ से 7 और 7 14, सिल 1, 2 2 4 और 1 5, 1054, 27 जुड़ेगा या कुछ और जुड़ेगा एक बार चेक करो, 27 नहीं 24। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 24 आएगी, 15 और 9 24 होते हैं, तो इसमें अगर हम 24 जोड़ेंगे तो यानी कि 3 वैल्यू कम हो जाएगी, 27 से 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लियर है, तो 1051 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? 1051, वेरी गुड, सही है, सही है सभी का, 1051, निधि, विजय, चहल, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5, 21, 57 क्वेश्चन मार्क, 221। बनाइए बनाइए फटाफट से। सुमित्रा, मीना, वेरी गुड, निधि, बहुत बढ़िया, विजय, क्लियर है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, आपको जो है ये चीज़ जो है अच्छे से समझ आनी चाहिए कि बीच का गैप कितना है। अगर गैप जो इंस्टेंट बढ़ रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई की गई होगी, और अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप जो आइडिया लगा सकते हैं कि उनके बीच का गैप फाइंड आउट किया है। लाइक एज यहाँ पर गैप निकालेंगे तो कितने का गैप है, 16 का गैप है, आगे गैप निकालो, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पर कितना आ गया, 3, 36 का गैप है, आगे हमें आइडिया नहीं लग रहा है, तो यानी कि ये हमें 4 का स्केयर दिया गया है, ये हमें 6 का स्केयर दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है 8 का स्केयर होगा, शायद एक बार ट्राई करके देखते हैं 8 का स्केयर कितना होता है, 64, एक बार इसमें ऐड करके देखो, 64 ऐड करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 1, 6 और 6 12, क्लियर है, 121 आ गया। एक बार 10 का गैप यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 का स्केयर 100 आ जाएगा, और 121 के अंदर अगर हम 100 ऐड कर देंगे तो 222 बन रहा है, तो यानी कि राइट आंसर इसका क्या रहेगा, 121 रहेगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके ओके, क्लियर है, सही है। एक सौ इक्कीस, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, बनाइए। ठीक है, ठीक है, फटाफट से आंसर करें।
आंसर का वेट रहेगा दोस्तों, फटाफट से जो है आंसर कर दें आप। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है सही है, बिल्कुल फटाफट जो है आप कमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो है चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं वहां तक आप पहुंच रहे हैं। करेंगे क्या, यहाँ पर गैप फाइंड आउट करेंगे, कितने का गैप है, 8 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है दोस्तों, 27 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, 64 का गैप है। तो देखने से पता लग रहा है कि 2 का क्यूब यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर जो है 3 का क्यूब लिखा गया है, यहाँ पर 4 का क्यूब लिखा गया है, यानी कि 4 को 4 बार गुना की गई है, तो 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौके 16, चौका 64 यहाँ पर लिख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 5 का क्यूब कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। और जब हम 104 के अंदर जो है 125 ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, 5 और 4 9, 2 का 2 और 1 और 1 2, 229, 229 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो दोस्तों जो है आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आई थिंक जो आपको अच्छे से समझ आया होगा, जो चीज़ आपको समझाना चाह रहे हैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच रही है, और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप जो साथ के साथ कमेंट कर रही हैं। देखिए यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश की जाती है कि लिमिटेड टाइम के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों जिस प्रकार से जो है आपको बता रहे हैं फिर से कि कोरोना वायरस फैल रहा है, आप जो अपने आप को सेफ रखें, और काफ़ी सारे ऑफलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सभी की छुट्टियां हो गई हैं, तो आपको जो है ये चीज़ बता दें कि छुट्टियां हो गई मीन्स टू से कि उनका लॉस हो रहा है, वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है घर पे रह के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे, बाकी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कल जो है सीरीज़ का आखिरी चैप्टर रहेगा, यानी कि आखिरी क्लास रहेगी, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर हम क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सारे के सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें, आपको पूरे आपके पूरे जो है वीक के अंदर, पूरे सप्ताह के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कौन कौन से टॉपिक करवाए जाएंगे, ये भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, यानी कि किस दिन आपकी कौन सी क्लास रहने वाली है ये भी आपको जल्दी से जल्दी बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, कल जो है सीरीज़ का लास्ट टाइप रहेगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।